अगली खबर राजस्थान के कोटा से है, जहां कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल व अमीन पठान पर द्वेषतापूर्ण तरीके से भाजपा सरकार द्वारा कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी गई और सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। वहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम, विधायक सीएल प्रेमी, जिला अध्यक्ष कोटा देहात भानु प्रताप सिंह, प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू सहित अनेकों कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि भाजपा को डर है कि वह कोटा बूंदी लोकसभा चुनाव हार रही है और इसी बौखलाहट में वह कांग्रेस नेताओं पर झूठी कार्रवाई करवा रही है। एक भाई हमारे तकरीबन 6 महीने पहले और एक भाई तकरीबन 3 महीने पहले जो भाजपा सरकार के सदस्य थे, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, तब वो पाक साफ थे, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुले हुए थे। आज जैसे ही उन्होंने कांग्रेस का दामन थाना और हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्य बने, वैसे ही वो गलत हो गए, उनके काम गलत हो गए। जिस तरह से भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल जी के क्रेशर पे कार्रवाई हुई, बिल्कुल कार्रवाई करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत कार्रवाई करना बिल्कुल गलत बात है। जब गुंजल जी और हमारे कांग्रेस के नेता अमीन पठान जब बीजेपी में थे, जब बीजेपी में काम कर रहे थे, तो उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अब जैसे ही वो कांग्रेस में आए, कांग्रेस के प्रत्याशी इधर गुंजल जी बने हैं, उधर अमीन जी हमारे प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बने, कांग्रेस ज्वाइन किए, तो उनकी अमीन पठान जी की जमीन अब सरकारी हो गई है और फोर्ट्रेस की हो गई है और उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है। जबकि प्रावधान है कि आप नोटिस दो, जवाब लो, एकदम प्रशासन को भेजते हैं, तोड़ते हैं। इसी तरह से प्रहलाद गुंजल जी की जो क्रेशर, उस पर कार्रवाई की गई है। तो जब तक वो बीजेपी में थे, जब तक तो वो बहुत बढ़िया थे और कांग्रेस में आते ही बुरे हो गए। तो ये जो कार्रवाई है, जो इसका पूर्वक कार्रवाई कोई भी कांग्रेस का नेता सहन नहीं करेगा। कई प्रकार के झूठे षड्यंत्रों के माध्यम से उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, उसकी निंदा करने के लिए और उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, क्योंकि भी आचार संहिता है, 4 जून तक न कोई धरना हो सकता है, न कोई प्रदर्शन हो सकता है। तो आज ये कांग्रेस मंच के माध्यम से ये कहना चाहती है कि हमारे जो सीनियर नेता है, जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए और कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ने उन पर विश्वास जताया है और हमें भी अपने आप को उन पर गर्व महसूस होता है, वो निष्पक्ष लोग हैं, वो अच्छे लोग हैं, वो कार्यकर्ताओं का साथ देने वाले लोग हैं, वो ईमानदार लोग हैं और उनके ऊपर जो कार्रवाई देशतापूर्ण की जा रही है वो गलत है, उसकी हम लोग निंदा करते हैं।